सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। भाई आज की गुड मॉर्निंग हुई हमारी मनाली से, और ये देखो पीछे हसीन वादियाँ। सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम पहुंच गए हैं मनाली, और ये आपके मेरे पीछे जो रोड देख रहे हैं ये ले वाला रोड है, ले सोलंगनाड़ा वाला रोड है। तो बस अभी जा रहे हैं हम अटल टनल के लिए। कल शाम को थोड़ा लेट पहुंचे थे इसलिए शूट नहीं कर पाया, तो बस अभी मॉर्निंग में फुल टू रेडी हो गए हैं और बस निकल रहे हैं अभी यहाँ से। सो आज की लुक हमारी कुछ ऐसी है, ये वाइट शूज़, नई स्वेटर। सो कल मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, तो टाइम नहीं लगा शूट करने का, और फैमिली के साथ था तो नहीं लगा टाइम। तो बस अभी आज बढ़िया से शूट करेंगे, और आपको ये जो पीछे पहाड़ियों में बर्फ़ दिख रही है, अब ये दिख रही है, ये जो पहाड़ियों पे बर्फ़ दिख रही है, बस ये अब थोड़ी अच्छे से दिखाएंगे। सो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था अटल टनल जाने का, लेकिन जा नहीं पाए, तो आज फाइनली मौका मिल गया है। सो जहाँ पे हम रुके हैं ये मेन नेशनल हाईवे है, ये जगह का नाम नेहरू खड्ड है, और यहाँ पे नाम है हाईलैंड पार्क है। तो ये अपना नेशनल हाईवे है, ये ऊपर को ये लेह के लिए भी जाता है, सोलंगनाड़ा और रोहतांग पास, अटल टनल, यही वाला रोड है। तो बस अभी यहीं से निकलेंगे, और एक बार इस पहाड़ी की हाइट देखो ऊपर को। ओ भाई उस चीज़ को ना, ऊपर वाले उस चीज़ को देख के, इस चीज़ को देख के डर लग रहा है। तो भाई आगे का मौसम देख के लग रहा है कि काफ़ी ख़राब है, जैसा कि आप देख सकते हैं आगे धुंध ही धुंध छाई है। तो देखते हैं क्या मौसम होता है। यहाँ पे भी अभी मौसम थोड़ा ख़राब ही है, बस बारिश ना हो कहीं पे या स्नोफॉल ना हो जाए। सो बाबूजी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके मनाली? अच्छा लग रहा है। अच्छा, कितने सालों के बाद आए? 30 सालों के बाद। कैसा लगा मनाली? 1999 में आए थे। अच्छा, और उसके बाद घर मिल पाया। अच्छा, अब आए। अच्छा, अब बड़ा बदली मनाली है, अच्छे होटल बन गए हैं, अब पूरे मजे ले रहे हैं, रहने का बड़ा आनंद है। अच्छा, नेहरू खड्ड साथ है। अच्छा, बस और हल्की हल्की सर्दी है। अच्छा, बर्फ की पहाड़ी अभी भी लदगद है, आनंद ही आ रहा है, आनंद ही अच्छा लग रहा है। बढ़िया बढ़िया, यही रिटायरमेंट के बाद के दिन लगता है अच्छे ही गुजरेंगे, ऐसे ही गुजरते रहेंगे, तो भगवान सिर्फ स्वास्थ्य ठीक दे, बाकी ठीक है। बढ़िया बढ़िया, ओके बाय। तो एक बार मनाली की वादियों का सिनेमैटिक का मजा लो पहले एक बार। सो भाई ये अपना होटल है जहाँ पे हम रात को रुके थे, और ये वाला यहाँ से छोटा सा ब्रिज था रास्ता वहाँ पे जाने के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक एक ही होटल है पूरा। और ये देखो इसके पीछे, ये तो मुझे अभी सवेरे ही पता लगा। भाई गाड़ी की हालत अपनी बहुत गंदी हो गई है मिट्टी से। सो भाई ये जो ऊपर दिख रहा है ये है रोहतांग पास, ये हाँ जी ये दिख रही है ऊपर ये बस ये ऊपर, ये जहाँ प्लेन दिख रहा ना वहाँ है रोहतांग पास, बस वहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से डाउन आ जाएगा, फिर वो गुलाबा वाली साइड। हाँ मैं इधर से गया था, ये वाला रोड, ये पुराना वाला रोड, यहाँ से रोहतांग पास जाने के लिए। हाँ छोटा रोड है ये तो, अभी बना ये बना है ना, फिर ये निकल गया आगे टनल से सीधा आगे। अभी हम पहुँच गए सोलंगनाड़ा, तो भाई मास्क लगा के ना सारे बाफ ही बाफ जम गए इसके अंदर। ये जो पीछे दिख रहा है ये सोलंगनाड़ा है, और ये आगे वाला रोड गया है ले के लिए। तो हाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, चाय परांठा कुछ खाते हैं, और उसके बाद फिर आगे के लिए निकलते हैं स्नो स्कूटर। ओरे बर्फ उड़ रही है, धुंध ऐसी दिख रही है। पहुंच गए अटल टनल,
ये है हमारी अटल टनल। लेने के लिए रुके थे लेकिन इन्होंने मना कर दी, यहाँ पे फोटो नहीं ले सकते गाड़ी के साथ। ये तो माइटी अटल टनल स्टार्ट हो गया है। आगे देखे लग रहा पता, साउथ पोर्टल से हम एंटर कर रहे हैं। अंधेरा अंधेरा कायम रहे। 10:14 एंटर किया था और 10:14 पे हम ऑलमोस्ट बाहर है, तो मतलब पूरे 10 मिनट लगे नॉर्थ पोर्टल निकल गए हम। ये हसी वादियां, अरे ये देखो यहाँ निकलते ही नजारे क्या है, ये है नजारे। और ये चला गया, ये राइट वाला चला गया आपका स्पीति चंद्रताल लेक, और ये लेफ्ट साइड चला गया आपका वो आ गया लेह कारगिल श्रीनगर। सो फाइनली हमने अटल टनल क्रॉस कर दी है और ये हमारे पीछे का कुछ ऐसा नज़ारा है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये अटल टनल क्रॉस करने के बाद नज़ारा, ये इसी पहाड़ी के नीचे से ये टनल बनी हुई है और ये कहीं ऊपर यहाँ पे रोहतांग पास, रोहतांगला है जो रोहतांग पास है वो यहीं कहीं है ऊपर। भाई बोलो कुछ भी, ऐसी जगह आने का मज़ा जो है ना वो मतलब कुछ अलग ही लेवल का है। ये देखो वो पीछे पहाड़ियाँ और बर्फ़ काफ़ी ऊंची ऊंची और काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है ऊपर तक। और ये है आपका अटल टनल का जो नॉर्थ पोल है शायद या साउथ पोल है, इतना कंफर्म नहीं है, वही वाला ये। और घर वाले पीछे अभी भी फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। अब सुबह मेरा फ़ोटो कोई नहीं ले रहा है, ये दोनों अपना फ़ोटो लेने में बिजी है, एक दूसरे का फ़ोटो ले रहा है, एक पहले का फ़ोटो ले रहा है और हमारा फ़ोटो नहीं लिया जा रहा है, इसलिए हम अपना फ़ोटो खुद लेंगे। चेक इट आउट। आगे और आप देख सकते हैं हम कहाँ आ गए हैं, हम आए हैं साउथ पोर्टल के बिल्कुल स्टार्टिंग पे जहाँ पे किसी को आना अलाउ नहीं है बट बाइक ही चलती है, तो पहुँच गए हम। अभी देखो फोटो वोटो लेते हैं। ये देखो ये है साउथ पोर्टल और ये है स्टार्टिंग, खड़ो तो भाई वो है उसका मेन गेट और ये है जहाँ से साउथ पोर्टल स्टार्ट होता है, उधर को नॉर्थ पोर्टल है। और यहाँ पे किसी को भी खड़े होना अलाउ नहीं है, कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं खड़ा कर सकते। बर्फ का गोला रेडी है और बच गया, अभी मारेंगे हम पापा जी को। ये वाली थोड़ी गंदी थी बर्फ, आगे वाली थोड़ी साफ थी। ये है वन एंड ओनली अटल टनल। चलो जी, अरे पापा के लिए चॉकलेट यहाँ से ले लो, यहाँ से साफ है। और हाथ आगे की ज्यादा हार्ड है बर्फ। अच्छा ही बात है, हाथ यहाँ है ढीली बर्फ। अभी मारते पापा जी को इसका गोला। बच गए, थैंक्स फॉर विजिट। फाइनली अटल टनल पे बहुत सारी फोटोज ले लिए हुए हैं और फोटोज आप देखो, अभी ये देखो फोटोज। तो इन फोटोज के बाद अभी हम जा रहे हैं मनाली।